नवी मुंबई के यशश्री शिंदे हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें यशश्री शिंदे के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि इसकी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब ये साफ हो चुका है पीड़ित के साथ रेप नहीं हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा ये भी पता चला है कि पीड़ित की हत्या पेट और पीठ पर घातक हमले की वजह से ही हुई है। पहले चाकू से घातक वार किया, उसके बाद चेहरे को कुचला। नवी मुंबई में 20 साल की लड़की की हत्या हुई। इस लड़की की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हत्याकांड से जुड़े नए दावे सामने आते जा रहे हैं। आरोपी दाऊद शेख अभी तक पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है और पीड़ित परिवार वालों ने उसी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है। परिवार वालों का दावा है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है, बल्कि लव जिहाद में किए जाने वाला मर्डर है। लड़की के परिवार वालों का दावा है कि 25 जुलाई को सुबह 11 बजे अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकली थी, पर थोड़ी देर बाद उसे किसी दोस्त का ही कॉल आता है और वह पीड़ित के असुरक्षित होने की बात करता है। उसके बाद परिवार वालों ने पीड़िता की जांच शुरू की, पर कहीं भी उसका पता नहीं चल सका। उसके तुरंत बाद ही परिजनों ने उरन थाने में पीड़ित की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। सब चीजें क्लियर हो जाएगी, आरोपी हिरासत में लिया जाएगा, तब आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दिया जाएगा। क्या लास्ट लोकेशन को लेकर कोई और जानकारी मिल पा रही है? उसका फोन एक्टिव है, नहीं है, क्या उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कुछ बातें अगर बता पाए आप? हमारे पास जानकारी है और उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आखिरी लोकेशन कर्नाटका बताया जा रहा है, क्या आगे का लोकेशन कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, अभी हम आपको सब चीजें नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना ही बता सकते हैं कि वो जल्द ही उसको हिरासत में लेंगे। दो दिन बाद ही रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में पीड़िता की लाश मिली, जो बहुत ही खराब हालत में थी। लड़की का चेहरा कुचल गया था, शरीर के कुछ हिस्से और प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान थे और उसका प्राइवेट पार्ट काटा भी गया था, क्योंकि 2019 में यशस्वी शिंदे और उसके परिजनों ने दाऊद शेख पर पॉस्को एक्ट के मामले में FIR की थी और आरोपी को जेल भी जाना पड़ा। पुलिस और सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि 24 जुलाई को आरोपी दाऊद ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस जांच में यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड से सबूत मिले हैं। जिस नंबर से पीड़िता की घंटों बातचीत चलती थी, उसका फोन नंबर दाऊद शेख नाम के व्यक्ति का था, जो वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने यशस्वी के लिए अपने अंदर एक जुनून पाल लिया था, उसे किसी भी कीमत पर यशस्वी को हासिल करना था, जिसकी प्लानिंग को पिछले 5 सालों से कर रहा था। जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा यशस्वी से बातचीत की, उससे दोबारा अपने प्यार में जाल में फंसाने लगा, लेकिन इस बार यशस्वी उसके खतरनाक मंसूबों से बिल्कुल अनजान थी। पुलिस लगातार दाऊद को खोज रही है।